प्रेस वार्ता के दौरान एसटीपीओ सद्दाम हुसैन ने बताया कि ये अपराधी जिले के टॉप 10 में शामिल हैं। पिछले कई महीनों से इसकी तलाश पुलिस कर रही थी, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर बक्सर जिले से गिरफ्तार किया गया, जिस पर डीआरआर क्षेत्र में आतंक फैलाने, हत्या सहित कई कांड इस पर दर्ज हैं। इस अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए कटिहार पुलिस की ओर से 50,000 रुपये का इनाम रखा गया है। अपराधी की पहचान क्षेत्र निवासी के रूप में हुई है, जिसमें कि आपको बता दें कि अपराधी काफ़ी सक्रिय किस्म का व्यक्ति रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए बड़ा प्रयास किया जा रहा है। जिले के 50,000 के इनामी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। मोना ठाकुर गिरोह के सक्रिय सदस्य थे और पिछले वर्ष जो बकिया दियारा क्षेत्र में जो नरसंहार हुआ था उसके मेन एक्यूज में से ये भी थे। इनाम 50,000 रुपये का इनामी है। बक्सर जिले से गिरफ्तार किया गया है। क्या क्या आरोप है सर इस पर? इन पे नरसंहार में शामिल होने का आरोप है और इनका आपराधिक इतिहास भी पहले से रहा है। एक पीरपैंती थाना कांड संख्या 142-2 में रहे हैं, जिसमें 364-120 में एक्यूज रहे हैं। फिर एक बरारी थाना में भी इनका केस रहा है, 386-307 का केस है। और एक बरारी थाना कांड संख्या 397 जिसमें 302 का भी अभियोग रहा है। किन किन जिले पर इन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं? भागलपुर और कटिहार पे, दो जिले में। झारखंड में इसका कोई मामला शुरू अभी तक जानकारी में नहीं है, हम लोग पता करवा रहे हैं। कुछ और मामला होगा तो बताएंगे आपको। प्रभारी थे और डीआईयू की टीम थी, थाना प्रभारी और डीआईयू की टीम थी। नहीं, बरामदगी नहीं। डेरा में आतंक फैलाते थे लोग, डेरा क्षेत्र के ही बेसिकली उनका एक्टिविटी का जो कार्य क्षेत्र है वो डेरा क्षेत्र ही रहा है। और लेकिन आप लोग तो जान रहे हैं, अब तक टोटल 23 लोग इस केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। सर, मोहना गैंग के कई लोग गिरफ्तार हो गए, लेकिन मोहना गैंग के पास में अत्याधुनिक हथियार का जखीरा कहा जाता है, वो हथियार अब तक बरामद नहीं हुआ। जल्द बरामद होंगे हथियार। ये हाथ इधर हाथ करी हो जाएगी।